सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो शाम के बज रहे हैं 6 और अभी हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर हमारी हालत ऐसी होती है कि अगर हमने व्लॉग शूट कर दिया तो आप लोग ना हमारा अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे चैनल, और ऐसा हम चाहते नहीं है। तो पहले मैं आपको घर के कुछ चेंजेस दिखा देती हूँ। तो पहला तो ये आप देख ही चुके हो, बहुत ही खूबसूरत सा बदलाव, और ये देख लो, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और छोटे वाला अभी यहाँ लगाया है, टेम्परेरी है, इसके लिए जगह ढूंढनी है, और ये भी टेम्परेरी है। कैलेंडर हमने यहाँ पे, हमने साथ ही साथ ये डिसाइड किया है कि जैसे ही ये ईयर खत्म हो जाएगा हम अपनी सारी फोटोज निकाल लेंगे कैलेंडर में से, ठीक है। और ये देख लो, यहाँ पे रेडी हो चुका है घूमने के लिए। खुशी देख रहे हो, खुशी क्योंकि खुद ही क्या करता है, नीचे जाएगा घूम के फिर ऊपर आ जाएगा फिर नीचे जाएगा। और ये धुले हुए कपड़े हैं गाइस जो यहाँ उतारे हैं हमने, तो आप ऐसा मत सोचना कि हमारा घर मैसी हुआ पड़ा है। धुले हुए कपड़े यहाँ रखे हैं कि फोल्ड करूंगी, और वो गीले कपड़े वहां टंगाए हैं। क्या हुआ पानी? ओके, कैसा लग रहा है फिर तुझे? मजा आ रहा। फिर आज क्या क्या खाने का प्लान है तेरा? वही जाके बताएगा। हाँ, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। आज ना, आज ये पेट पे ही दर्द करता रहा दिन भर में कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि जब से आया है, अभी छोटा तो है ही, तो उसको रहता है कि ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, तो इस वजह से इसको थोड़े हेल्थ इश्यूज है। तो आज हमने इसको बाहर का कुछ भी नहीं खाने दिया अब तक, और अभी देखते हैं क्या रहता है। एंड मेरा लुक दिखा दो, चलो मैं डुगू का लुक दिखा देती हूँ। ये देख लो, यहाँ देख लो, मेरा मेरा लुक दिखा दो, मैं तो सुंदर लग रही हूँ थोड़ी, देख सकते हो, क्योंकि मेरे यू नो हमारी यूट्यूब फैमिली का ऐसा आया था कि कुछ दिन मैं ऐसे न्यूली ब्राइड बन के रहूं। जो फाइनली न्यूली ब्राइड इज हियर गाइस, मैं इनबॉक्स बता दे रहा हूं कैसे लग रही हूं मैं। चलो, इतने सुंदर एनिवर्सरी पे है, कुछ हेटर्स पे मुझे हंसी आ रही है, कहना तो नहीं चाहते, लेकिन उसमें भी उन्होंने नुक्स ढूंढ लिए। मोटी लग रही है, आंटी लग रही है, इसकी माँ लग रही है, अरे बाप रे, एनिवर्सरी देख लेते भाई। चले ये वाइट वाला तो बहुत बहुत ही कमीना है, पीछे आके रख दे, तो अपने आप खा लेंगे, तू रख दे, ठीक है। पोटी देखना जरा कैसे, कौन से स्टाइल में किए, उतने उठा नहीं, ले खराब नहीं पड़ गया, ऐसे नहीं फेंकते होते, गंदी बात होती है। हाँ, पीछे से जा, बीच पे सही जाएगा, बिल्कुल डरता ही नहीं है, वहाँ पे उधर डस्टबिन है, उधर फेंक दे, हमारे ऑटो में चल चल। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे फेवरेट मॉल में, एक्सेस मॉल में। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं हमें करना क्या है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ घूमने आए हैं, कुछ ना खरीदना है हमें, ना कुछ लेना है, देखते हैं आदित्य को कुछ पसंद आता है तो दिला देंगे इसको। चलो अंदर, सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट 99, यानी कि स्टोर 99 में, देखना कुछ पसंद आता है तो ले लेंगे भाई। तो गाइज, पहली बार आदित्य गेम जोन में आया है और गाड़ी चला रहा है, और ये कह रहा था कि मैं एक, हम दोनों एक में बैठेंगे, क्योंकि मुझे चलाने नहीं आती। तो ये देख लो यहाँ पे। रेस दे ना, रेस दे।
90 सिनेमा में। और ये हमारे ग्लासेस हैं, पहले पहन के देख ले भाई सेट बैठ रहा है कि नहीं। हाँ सही है, तो देखो मामला सेट है एकदम। कहाँ बैठे हैं, आगे कि पीछे? पीछे। आगे बैठते हैं ना, नहीं सेंटर में बैठते हैं, सेंटर में बैठ, सेंटर में सही दिखाई देगा। भाई डर लगेगा। मारना तगड़ा भूत है कोई। बोलो 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 ऊपर। आराम से पे जीती हैं ये फ्री टिकट, क्योंकि आप देख सकते हो स्कोर। ओह माय गॉड, स्कोर तोड़ दिया बंदे ने भाई, ये होता गांव के है, गांव के लौंडे हैं, देख लो क्या कर रहे हो हैं, ये कैसा हथौड़ा मारा इस पे तेने हो हैं, कैसा हथौड़ा मार दिया। मैं तो यही खेल के से टिकट निकलवा लेता बहुत सारी। अभी इसने हमें बहुत अच्छी चीज करके दिखाई, चलो उधर जा लाइट में जा करके दिखा, चलो 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 मेहमानों के सामने जैसे बोलते ना बच्चों को, बेटा पोयम सिखाओ, बेटा पोयम सिखाओ, नहीं सुनाओ ये बात, ये बात यार। गाइस बहुत ज्यादा खा लिया, पेट पत्थर बन गया मेरा तो, ऐसी ही होने गया। मैं सोच रही हूँ गैस वैस पास कर दूँ यहाँ। इसको कितनी हंसी आ रही है, काफी काफी बात करो तुम हैं, काफी काफी बात करो, गैस पास कर दो, देख ले दीदी कैसी बातें कर रही है। बंगे तो आ रहा है, बंगे तो कौन आ रहा था है आदमी, पकड़े आ रहे थोड़ा ब्रश। तो गाइज यहाँ पे देखो कुछ ट्राई कोशिश की जा रही है कुछ करने की, मैं तो जान है कह रहा मैं दूँ पेट में एक मक्का। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज हैमर का, वहाँ पे लास्ट था 911, इसने इतनी तेज मारा उस पर 923 पहुँचा दिया भाई लड़के ने, पता नहीं कितने कितने सालों से 911 था उधर, मैं बड़ा जब से देख रही 911 ही, हाँ उतना ही था, जबकि वहाँ पे जिम वाले लड़के आते हैं, बालक गाँव आते हैं, जबकि वहाँ पे जिम वाले लड़के आते हैं, जिम वाले बंदे आते हैं, उधर जाओ जल्दी। मैं तो जा रही हूँ तुमको इधर छोड़ के। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, मैक्सस गए थे और दो तीन चीज़ें खिलाई आज आदित्य को, यहाँ के मोमोज वोमोज खिलाए, उसके मोमोज बहुत टेस्टी हैं, मोमोज खिलाए, उसके बाद डोसा खिलाया, और उसके बाद क्या खिलाया था, डोसा और मोमोज ही खाए ना बस, और तो कुछ नहीं खाया, चाउमीन, हाँ और चाउमीन भी खाई है। क्या पेट भर लिया तेरा, और जो दो तीन बार वॉशरूम होया है तीनों लोग हैं, पेट खाली नहीं हो गया? ये बोलना जरूरी था, ये तो बहुत जरूरी था बोलना, आते ही सारे गए तीनों वॉशरूम में,
और पेट में खाली नहीं हो गया तेरा है, तो लग नहीं रही भूख अब है। गाइज आदित्य को अपने क्या कहते हैं जो साथ में काम करते हैं उन सब की बहुत याद आ रही है, सबकी बातें बता रहा था हमें अभी, है ना आदित्य, याद आ रही ना सबकी तुझे? यूं कह रहा मुझे बहुत याद आ क्या कहीं मारो मेरी डब से क्या क्या बातें करता है ये। और ये रही मेरी टुक्कू। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, आज टुक्कू को ना फिर से ना वो सिस्ट वाला पेन फील हो रहा है और डॉक्टर ने ये बोला था कि मतलब 80% ही पेन जाता है, 20% तो रहता ही है, लेकिन दुकू का आज दो बार पेन हो गया। शाम को तो दवाई खा ली थी इनको तब भी पेन हो रहा था, और मुझे इस वाले पेन से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि इसी पेन के वजह से एंड्रोमेट्रोसिस का इतना सर्जरी जो थी वो करवाई थी ऑपरेशन। तो अभी डॉक्टर को कल फिर फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो बताए अभी क्या मतलब ट्रीटमेंट रहेगा आगे का वो सब, क्योंकि अभी तक डुगू को जो यूरिन में जो बर्निंग सेंसेशन चल रहे थे वही जाके ठीक हो पाए हैं मेडिसिन छोड़ने के बाद वो भी। तो अभी जो ये पेन का प्रॉब्लम आ गया ये बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है हम दोनों को ही, और जैसे इन्होंने मुझे बताया मेरा मन भी नहीं था शूट करने का, लेकिन क्या करें व्लॉग शूट करना पड़ता है। डुगू ने कहा कि नहीं व्लॉग शूट कर, बता दो गाइस को कुछ ज़्यादा हो रही है बहुत है, कम ज्यादा भी नहीं पता बस हो रहा है। डॉक्टर के लेके चलूं क्या, दवाई लेके सोऊंगी। तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसा गया और बहुत ज्यादा शूट तो कुछ किया नहीं है, एक मोमेंट रह गया था जो आप लोगों को नहीं दिखाया था और जो कि बहुत ही स्पेशल मोमेंट था एनिवर्सरी का, तो वो आप इस व्लॉग में आप लोगों को देखने मिल गया होगा या तो या फिर आगे अभी देखने मिलेगा। फिलहाल आज के लिए कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्टिल वीडियो बनाऊंगी बहुत सारे डिटेल्स के साथ, तो हो सकता है कल वो वीडियो बनाऊं मैं, क्योंकि कल शायद ब्लॉग शूट ना करें, और ये भी हो सकता है कि कल हम डुगू को डॉक्टर के पास दिखाने लेके जाएं, क्योंकि ये पेन जो है ना ये बहुत मतलब ऐसा लगता है एकदम से आँखों के सामने ऐसे अंधेरा छा गया ऐसे वाली सिचुएशन हो जाती है। तो लेट्स सी कल का दिन कैसा रहता है और क्या क्या रहेगा। आज फिलहाल हम थोड़ा बहुत घुमा लाए आदित्य को क्योंकि वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, अभी देखते हैं इसकी भी टिकट्स विकट्स करानी पड़ेगी क्योंकि ये जॉब भी करता है और स्टडीज़ भी चल रही हैं इसकी, तो बहुत ज़्यादा दिन तक इसको नहीं रोक सकते, बाकी देखते हैं फिर ये आराम से आएगा फुर्सत से। और व्लॉग में काफ़ी कम आता है ये, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई लेके आया करो व्लॉग में, और वो बोलता है तो अच्छा लगता है लेकिन वो कम बोलता है क्या करें, जैसी वीडियो मैं चालू करूँगी वैसे कम बोलना शुरू कर देगा, वैसे पीछे से तो बहुत बातें करता है, नीचे जाएगा आधा एक घंटा घूम के आ गया फिर किसी की बात बताएगा, फिर जाएगा नीचे फिर किसी की बात बताएगा, आगे यही करता रहता है। तो आज इसे ब्लॉग है, आज इसे से एंड करवा, हां इधर आके ब्लॉग एंड कर, आज बोल, कल को नहीं, कल तक तूने बोला था कल को बोलूंगा, आज बोल यहां आके बोल क्या हो गया सर में तेरे हैं, एक तरह का परिव्यक्ति मारे हैं बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है बता दो यहां पे, बात बता पूरी कैसा लग गया, कैसा लगा तुझे मुंबई आके, भाई मजा आया पूरा है, और क्या क्या देखने को मिला यहाँ सी, शर्म सी आ रही, क्या क्या देखने को मिला यहाँ सी है, लंबी कौन सी लंबी है गाइस देख लो बता नहीं रहा अच्छे से है? बोल भाई लोगों की डिमांड आई है, डिमांड है वो पूरी कर बन गई, तू ही पूरी करेगा डिमांड, बोलना पड़ता है भाई व्लॉगर के घर में आने के आने के बाद फिर तू भी तो व्लॉग करेगा कुछ, और सुन तो सही कुछ लोग कह रहे थे अब बेचारे को परेशान कर रखा है इसे मेरा मतलब का, और पूछो जाएंगे इसे फालतू है कुछ कुछ ऐसे कह रहे थे, यूं कह रहे थे कि बेचारे को वो कर रहे हैं ये क्या कहते हैं बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे ये थोड़ी बेइज्जती हो, कुछ कुछ पूछ के बता कौन कह रहा था के तुम ऐसे 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 से पूछ रहे हो उसे शर्म आ रही है बेचारे को, देखा बंदे को देखा ना तेरे कमेंट, बावले है बावले है ना, मजा ले रहे हम तो है, बता देना मैं तो मजा लूंगा, शर्म लगा बस थोड़ी सी, शर्म लगा क्यों, खुल जाएगी अभी नया नया तो लग रहा काम में, नया निकला काम में से, अच्छा कैसा लग रहा फिर मुंबई में, बढ़िया बिल्कुल, अरे यहाँ से बिल्डिंग देख कर कैसा लग रहा तुझे, कूद जाओ यहाँ से, वैसे इसकी जमान भी चल रही है, जैसे मैंने कैमरा घुमाया ना इसकी तरफ सड़क का लगा दिल रुक जाए देख तो दिल रुक गया
जा कैमरा वो देखते ही है इधर रुक जा के तेरा तीन कैमरे फटक रहे वो भी बोलेगा बाद में क्योंकि ये तो कम कम बोल रहा है कल के व्लॉग में बोलेगा ये तो आज हम बहुत ज्यादा व्लॉग शूट नहीं कर रहे हैं आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा बहुत ही अच्छा दिन था आज का बस होपफुली डुगू का पेन ठीक हो जाए क्योंकि वही एक थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ है बाकी तो कुछ नहीं बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में अभी नहीं दिनों में नहीं आने वाले टाइम में हो सकता है अगर आदित्य थोड़ा सा बोलना शुरू कर दे क्योंकि आपको इसकी लैंग्वेज बहुत पसंद है मम्मा को नाखून लग रहे हैं तो मैं इसके एक चैनल बना दूंगी जिससे कि आप इसकी लैंग्वेज और इसकी चीज़ें इसकी बातें सुन सको बहुत कॉमेडी करता है ये कैमरा पे नहीं बोलता लेकिन ये बहुत कॉमेडी करता है भाई इसकी बातें पूरा दिन क्यों उसका दिमाग खराब कर रहे हो पागल कर रखा है इसे मैं डुगू में आटा सा मुँह बर्दाश्त करना पड़ा होगा क्योंकि मैंने वन में शूट कर लिया था मैंने 0.5 किया है तो मैं बस ये बता रही थी कि आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग के साथ मिलूंगी और बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा बस डुगू का पेन ठीक हो जाए जल्दी से बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है और ये देख लो मेरे पति को मेरे पति कह रहा है मेरी तो जगह तेरे पैरों में ही है क्यों रो रही है बाबू तू है दर्द हो रही है ऐसे मत बोल बाबू ठीक हो जाएगी है क्या दवाई के साथ सोगी ठीक हो जाओगी ना ऐसा क्यों सोच रही हो तुम आपके हर टाइम ही दर्द रहेगा क्या यार ऐसा क्यों सोच रही हो ना ऐसे मत सोचो यार मेरे को टेंशन होती है तो गाइस को टाटा बाय बाय गुड नाइट कर दो ठीक है गाइस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ फ्रेश व्लॉग के साथ बिना दर्द के साथ टाटा बाय बाय बिना दर्द के साथ बिना दर्द के साथ यकीन को जो मुझ में बुन लिया नया मैं मुझे से चुन लिया दिल जो का घर